हे गाइस, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आई गेस। चलिए हम अपना नेक्स्ट केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज होटल ब्लूमून सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ का पहले इशू जान लेते हैं क्या था। तो सबसे पहले जो एसएससी था उसके यहाँ डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था अंडर सेक्शन 133A। फिर एसएससी ने सर्वे के बाद आरओआई फाइल कर दी जा करके, फिर उसके बाद एओ ने उसे 148 का नोटिस इशू किया था। एंड आफ्टर इशूइंग दैट नोटिस एओ ने असेसमेंट कंप्लीट कर दी 143(3) के अंडर। अब जब असेसमेंट कंप्लीट हो गई तो एसएससी ने एक इशू रेज किया कि 143(2) का नोटिस नहीं इशू हुआ था, 143(2) का नोटिस नहीं इशू हुआ था एंड असेसमेंट कर दी 143(3) के अंडर। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो ये असेसमेंट है वो वॉइड है, ये एसएससी का कहना था। अब डिपार्टमेंट ने इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, डिपार्टमेंट ने कहा सिंस वी हैव 292BB सेक्शन, एज वी ऑल नो आई गेस कि बेसिकली मैं डिस्कस कर लेती हूँ 292BB क्या कहता है। 292BB ये कहता है कि अगर कोई नोटिस 143(2) का ही नोटिस लेते हैं, अगर ये नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम बार्ड हो जाता है या फिर बहुत सारे ऐसा होता है ना कि हमें 143(2) का नोटिस 6 मंथ्स फ्रॉम दी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक सर्व कर देना होता है, तो लेट से वो नोटिस जो है वो 6 महीने बाद उन्होंने इशू किया, सर्व किया, तो वो टाइम बार्ड हो गया। लेकिन एसएससी ने फिर भी असेसमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वो बाकायदा आया और जब जब उसको बुलाया गया और इस तरीके से टिल द असेसमेंट वॉज कम्प्लीटेड एसएससी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया। तो 292B में ये कहता है कि अगर एसएससी ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया टिल द टाइम असेसमेंट वॉज कम्प्लीटेड एंड इवन दो नोटिस वॉज टाइम बार्ड, तभी वो असेसमेंट वैलिड रहेगी क्योंकि एसएससी ने नहीं ऑब्जेक्शन रेज किया। लेकिन अगर एसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया होता तो वो नोटिस भी इनवैलिड हो जाता और वो असेसमेंट भी वॉइड हो जाती। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस केस लॉ में, उन्होंने ये कहा कि सिंस एज वी हैव 292BB सेक्शन, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि एसएससी का पार्टिसिपेशन था इन ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेसमेंट, तो इस तरीके से बिकॉज देयर वाज पार्टिसिपेशन ऑफ एसएससी इट विल कंडोन द ओमिशन ऑफ नोटिस, नोटिस नहीं इशू किया तब भी चलेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में डिस्कस कर रही हो, बट स्टिल यहाँ पे हमको इससे पहले ये ट्रेविन कोर डायग्नोस्टिक्स हाई कोर्ट जजमेंट था जहाँ पे ये बात कही गई थी एंड फिर सेम लेटर ऑन होटल ब्लू मून के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही थी। तो वो जो पॉइंटर्स थे वो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि विदाउट स्टैचुटरी नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) एओ कैन नॉट अज्यूम ज्यूरिसडिक्शन। So here the keyword is that AO cannot assume jurisdiction without issuing a notice, which is a statutory requirement. And second pointer was, even SSC participated, agar SSC aa bhi gaya, then also 292BB can't help authority. Kyunki 292BB tab bachata authority ko agar wo issue करते नोटिस और वो नोटिस इनकेस टाइम बार्ड हो जाता, बट यहाँ तो नोटिस ही नहीं इशू किया था।